ऑल राइट जी, चलें जी मुझे बताना शुरू करें। आई होप यू ऑल अग्री। हो गया, आई होप यू ऑल अग्री कि हमें यहां पे बेसिकली इन सब शेप्स के लिए क्या करना पड़ेगा। सारे लैपटॉप बंद कर दें। इन सारी शेप्स के लिए, जो शेप्स आपको नजर आ रही है, इनके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको बेसिक शेप की क्लास बनानी पड़ेगी और ये सारे के सारे जो शेप्स हैं उनसे इनहेरिट करनी पड़ेगी। ठीक होगी बात? और आई होप यू ऑल नो कि इनके अंदर डॉट ड्रॉ का फंक्शन होगा जो कि पॉलीमॉर्फिकली डिसाइड होगा। ये लिस्ट पड़ी हुई है एक, और या लिस्ट समझ लें या जो भी कह लें, यहां पर बेसिकली आपने डिफाइन किया हुआ, इस पे क्लिक हो तो ये वाला पिक हो जाए, ये वाला क्लिक हो तो यहां पे ये वाला पिक हो जाए। ओके, आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, सही है? तो हम कोई भी एक शेप ड्रॉ करते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं सर्कल ड्रॉ करता हूं। सर्कल को ड्रॉ करने के बेसिकली दो तरीके हैं एक्चुअली। यहां से अगर मैं कुछ भी प्रेस ना करूं, बस यहां पे क्लिक करके दूसरा क्लिक करूं तो ये क्या बन जाता है? ये एक सर्कल नहीं बन रहा, ये क्या बन रहा है? ये एक एलिप्स बन रहा है। ठीक है, तो मैटर एक एलिप्स को डिफाइन करने के लिए कितने पॉइंट सही होते हैं? एलिप्स इज कंप्लीटली डिफाइंड बाय हाउ मेनी पॉइंट्स? हाँ, तीन पॉइंट होते हैं, दो पॉइंट होते हैं। ये आप देख लीजिएगा, ठीक है? जिसका सर्कल है ना, सर्कल में अगर मैं दो पॉइंट्स लूं, दो पॉइंट्स लूं, तो दो पॉइंट से सर्कल नहीं बनता। अगर सर्कमफेरेंस के ऊपर पॉइंट ले रहा हूं मैं, अगर सर्कमफेरेंस के ऊपर पॉइंट ले रहा हूं तो मुझे तीन पॉइंट सही होते हैं। लेकिन अगर मैं सेंटर और सर्कमफेरेंस के ऊपर कोई पॉइंट ले लूं तो दैट इज इनफ। ये बात समझ में आती है? मैंने क्या बात की है? ये बात समझ में क्या बात की? यानी फॉर एग्जांपल ये देखें, मैं आपके सामने ड्राइंग करता हूं, ये मेरे पास एक, ये मैं ड्राइंग कर रहा हूं, लेट्स से ये एक, इसका साइज भी चेंज कर लेते हैं, लेट्स से ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है। ठीक है, तो एक सर्कल मैं बना सकता हूं जो कि ऐसा हो, और एक और सर्कल मैं बना सकता हूं जो कि ऐसा हो। डज इट मेक सेंस? तो दो पॉइंट से तो सर्कल डिफाइन नहीं होता। ये समझ में आई मैंने क्या बात की है? ठीक है, हां, अगर दो मेरे पास पॉइंट्स हैं जो कि मैं डायमेट्रिकली कह रहा हूं क्या है, तो उसके साथ सर्कल डिफाइन होता है। यानी मैं कह रहा हूं ये मेरे डायमेट्रिक पॉइंट्स हैं। डायमेट्रिक पॉइंट का मतलब ये है कि मेरे पास एक सर्कल ऐसा बनाओ जिसमें ये एक सेमी सर्कल हो और ये एक सेमी सर्कल हो। ये बात समझ आई? ठीक है, मैं आपको दिखाता हूं, ये एक और बड़ी मजेदार वेबसाइट है, इसका नाम है जियो जबरा। इसको अगर मैं ये जियो जबरा क्लासिक पे जाता हूं, सर्कल को डिफाइन करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। लेट मी शो यू। यानी F11 फुल स्क्रीन करने के लिए फंक्शन F11 दबाना पड़ता है। तो चल जा भाई, अच्छा खैर, मैं ये बताना चाह रहा था कि ये डिफरेंट शेप्स हैं जो आप बना सकते हैं। बाय द वे, अगर मैं ये सर्कल सेलेक्ट करूं और यहां पे शिफ्ट दबा के मैं प्रेस करूं तो ये परफेक्ट सर्कल बनता है। ये परफेक्ट नजर आ रहा है, कुछ और नजर आ रहा है? परफेक्ट ना, ये परफेक्ट सर्कल बनाता है। ठीक है, अगर मैं शिफ्ट करके प्रेस करूंगा तो ये परफेक्ट सर्कल बनाता है। ठीक है, ये देख रहे हैं आप, ये आपको ओपन हो रहा है, अभी भी ओपन हो रहा है। ये एक जियो जबरा का ड्राइंग टूल है, बड़ा जबरदस्त पावर पावरफुल टूल है। ठीक है, इसमें अगर मैं नीचे वाला ये हटा देता हूं तो ये देखें, अगर मैं सर्कल को क्लिक करूं ना, ये सर्कल क्या है? ये देखें, ये कहता है सर्कल डिफाइन करो विद, एक सर्कल है उसका सेंटर है और फिर बेसिकली एक पॉइंट है जिसके थ्रू उसने पास होना। तो फॉर एग्जाम्पल ये देखें, मैं सर्कल ड्रॉ करूंगा,
मैं जैसे ही क्लिक करूंगा यहां से सर्कल ड्रॉइंग शुरू हो जाएगी और जहां पर छोड़ूंगा सर्कल बन जाएगा, ये बस नहीं। और अब अगर मैं फॉर एग्जाम्पल इसको पॉइंट को पकड़ता हूं और यहां मैं छोटा करूंगा तो ये छोटा हो जाएगा, बड़ा करूंगा तो बड़ा दे। लुक एट दिस फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसको पकड़ लेता हूं, ओ अभी वो क्योंकि वो मेरा सर्कल टूट चल रहा है तो ये नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं फिर जाके इसको एरो को क्लिक कर दूं, ये इस एरो को, ठीक है, और अब मैं इसको क्लिक करूंगा तो ये बेसिकली बड़ा हो जाएगा। ये समझ में आ रही बात? सिमिलरली अगर मैं इसको उठा के छोटा करूंगा तो ये बेसिकली मूव होना शुरू हो जाएगा, सेंटर वो पॉइंट फिक्स है और अब मैं ये फिक्स कर रहा हूं। ये बात समझ में आ गई? आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। इसी तरह ये एक और सर्कल है जो कि तीन पॉइंट से डिफाइन होता है, ये देख रहे हैं आप, ये देख रहे हैं आप, ये तीन पॉइंट से डिफाइन होता है। तो ये सेमी सर्कल है जो कि दो पॉइंट से डिफाइन होता है। ओके, पहले आप ऑफ कोर्स सेमी सर्कल के लिए तीन पॉइंट बताते हैं, आप एक पॉइंट बताएंगे, दूसरा पॉइंट बताएंगे, और ये अब जैसे ही मैं तीसरा पॉइंट बताऊंगा तो ये सर्कल तीसरा बन जाएगा। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड। और आप चाहें तो किसी भी पॉइंट को मूव कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल इसको उठा के मैं यू लाऊंगा तो ये ऐसे हो जाएगा, बाकी दोनों फिक्स है। ये बस है, ये इसकी शेप है, ठीक है। खैर आपकी रिक्वायरमेंट है, आप एक सर्कल बनाएं, जैसे मर्जी बनाएं, ठीक है। बेशक पहला पॉइंट लें और दूसरा पॉइंट लें तो बेसिकली वहां पे सर्कल बना दें, इजीएस्ट वाला बना दें, ठीक है। फिर एक बेसिकली एक ओवल शेप है, ओवल शेप के लिए कैसे ड्रॉइंग होगी मुझे नहीं पता, आपने खुद सोचना है, ठीक है। ओके ऑलराइट, तो आपसे रिक्वायरमेंट ये है, काइंडली टीएस, दूसरा टीए किधर है, एक अकेला गुफरान नहीं है, काइंडली ये अपना आपने आज ही बनाकर अपलोड करनी है इसकी स्टेटमेंट सब टीम मिल के। आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि इसमें से आपने कोई भी 10 शेप्स प्रिंट करनी, एक्चुअली 8 शेप्स प्रिंट करनी, ठीक है। तो सर्कल हो गया, लाइन हो गया, और वो ये जो सेकंड वाला कर्व है ये जरूर बनाना है, जो जिसकी आपको मैंने वीडियो भेजी, वो कौन सा कर्व था, क्या कहते हैं, क्या बी से बनता था, खैर जो भी इसका कर्व का नाम है उससे बेसिकली इक्वेशन बनती है, वो इक्वेशन उसको ड्रॉ करके बनेगी, ठीक है। रेक्टेंगल है और ये इस तरह से शेप है, फिर ये ट्राइंगल है, जो मर्जी आप शेप बनाने से बना सकते, ठीक है। अच्छा अब मैं आपसे कुछ सवाल करने लगा, और वो सवाल बड़े इंपॉर्टेंट है। अच्छा एक मेरी बात सुन ले पहले, पेंट ब्रश में और जियोजेब्रा में एक सीरियस किस्म का फर्क है। आप में कितने लोगों ने फोटोशॉप यूज किया, फोटोशॉप यूज किया या कोई भी एक ड्राइंग टूल यूज किया हो, फोटोशॉप ऊपर करें हाथ, ड्राइंग टूल मैप वाले भी खड़े कर दें, कोई भी एडिटर वाला, पेंट ब्रश यूज किया हो तो समैप, किसी ने ना यूज किया वो हाथ खड़े करें, तुमने कुछ भी कोई भी ड्राइंग नहीं की, कोई भी तरह की ड्राइंग नहीं की, सही आप कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा देर इज ए सर्टन डिफरेंस बिटवीन दिस टूल या अडोब फोटोशॉप एंड दिस टूल, ओके, व्हाट्स द डिफरेंस, द डिफरेंस इज कि अगर आप एक कोई भी शेप ड्रॉ कर देते हैं आप उसको चेंज नहीं कर सकते। मतलब ये कि ये मैंने एक ओवल ड्रॉ किया था ना, इसको अगर मैं आप चेंज करना चाहता हूं चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि वंस इट इज ड्रॉन, ओके, ये सबको समझ में आई बात। लेकिन वो जो जो जबर आपको दिखा रहा है या फोटोशॉप में आप करते हैं तो वो ऐसे नहीं करता, वो कुछ और करता है, वो आपको चेंजेस करने की इजाजत देता है, ओके। वो लेयर वाली बात की बात है, इसके अलावा कुछ और करता। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड, ओके। तो जो ये ड्रॉइंग टूल है ये एक दफा आपको ड्रॉ करने की इजाजत देता है, वंस यू अनसेलेक्ट दैट शेप इट इज गॉन इन अ सेंस कि अब एक्चुअली ये जो आपकी एक कैनवस है जो कि एक टू डायमेंशनल रे है, एक्चुअली टू डायमेंशनल नहीं है, थ्री डायमेंशनल। कैन यू टेल मी द रीजन व्हाई, क्योंकि इसमें कलर की इंफॉर्मेशन है, ओके, एंड कलर का मतलब है रेड ब्लू ग्रीन। तो बेसिकली ये कैनवस होता है, ये एक बेसिकली जेपैक फाइल बनती है जिसको आप जाके छा के सेव कर सकते हैं,
ओके, जो कि आपने भी करना है, ठीक है। लेकिन ऑफ कोर्स आपके लिए रिक्वायरमेंट है कि जब तक मैंने एक शेप को सेलेक्ट किया हुआ है और मैं मूव अराउंड कर रहा हूं, तो वो शेप उसके हिसाब से साइज में बड़ी हो जाए। ओके, ये बात समझ। अगर आप उसको बाद में भी एडिटिंग की इजाजत देंगे, यू विल गेट अ बोनस पॉइंट। ओके, बट ड्यूरिंग द फर्स्ट सिलेक्शन, जब तक वो अनसेलेक्ट नहीं करते आप, तब तक वो उसकी मैं रीशेप कर सकता हूं, उसको बड़ा कर सकता हूं, छोटा कर सकता हूं। ओके, बड़ा छोटा करने का मतलब ये कर सकता, मैंने ड्रॉ किया, मैंने एक पॉइंट ड्रॉ किया, दूसरा पॉइंट अभी तक मैंने नहीं किया, मैं उसको मूव करता जा रहा हूं तो सर्कल ड्रॉ होता जा रहा है। ओके, जैसे ही मैं दूसरा पॉइंट लगाऊंगा, ओके, तो ये तो ये करता है कि उससे आगे एक बाउंड्री बना देता है। वंस यू अनसेलेक्ट दैट बाउंड्री, गॉन। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये दिखाता हूं, ये सर्कल है, ये मैंने सेलेक्ट किया और ये देख, अब देख रहे ये इसने इसके अराउंड क्या कर दिया, इसके अराउंड एक रेक्टेंगल बनाया हुआ है। द मोमेंट आई विल गो टू क्लिक एनीवेयर एल्स ऑन द कैनवस, दिस विल बी फाइनलाइज्ड। ओके, अभी तक ये फाइनलाइज नहीं है। क्या मतलब? अभी तक इसके ऊपर एक बाउंड्री बना दी, इसका मतलब यह है कि ये सिलेक्टेड रीजन है, आप इसमें चेंजेस करना चाहते हैं कर सकते हैं, बट देयर इज अ वार्निंग। क्या मतलब, क्या क्या वार्निंग है कि आप अगर आपने कहीं और सेलेक्ट कर दिया, ये फिक्स हो जाएगा, ये ओवरराइट हो जाएगा। मतलब देखिए, आप मैं अगर देखो इसको बढ़ाना चाहता हूं, मैं बढ़ा सकता हूं, ये बात है। The moment I click anywhere else, gone. Now this is written on your canvas. Okay? मतलब क्या है? मतलब ये कि आप इस canvas के ऊपर basically ये चीज drawing यहाँ पे replace हो चुकी है, पीछे वाला जो pixel है वो इस drawing से replace हो चुके हैं। I hope everybody understands. Okay? ये दो कलर क्या होते हैं? एक होता है आउटलाइन कलर, दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है फिल कलर। ओके, फॉर एग्जांपल मैं ये कलर सेलेक्ट करता हूं और इसमें मैं ये कर देता हूं, और अब मैं सर्कल दोबारा सेलेक्ट करता हूं और अब वो ये नहीं, ये नहीं है। फिल कलर कैसे होता है? फिल कलर कैसे होता है? बाय द वे, सुबह वाला जो हमने लैपटॉप यूज किया था उसके अंदर यहां पे फिल कलर था। आई डोंट नो, फिल कलर से एक तो ये ऑप्शन होती है, ये इसमें आप फॉर एग्जांपल ये रेड सेलेक्ट करते हैं, ये मैंने फिल कलर सेलेक्ट किया, सॉलिड कलर, और एक मिनट, आप ये देख, ये बात सुन, ये क्या हुआ पता? ये इसकी बाउंड्री है, ये इसका फिल कलर है ना। ये करेंगे तो क्या हो जाएगा? फिल खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये डिफरेंट तरह के इसके ऑयल पेंट है, नेचुरल पेंट है, वगैरह वगैरह, ठीक है। आपने कोई भी एक चूज करना, ठीक है। फिल कलर की ऑप्शन आपने रखनी है, एक आपका आउटलाइन कलर होगा, दूसरा आपका क्या होगा? फिल कलर होगा। ओके, तो आप जो भी शेप बना रहे हैं, तो फॉर एग्जाम्पल मैं ये कंट्रोल ए करता हूं और इसे डिलीट कैसे होता है, और अब मैं क्या करूं, इसमें एक होता है ये पेंट, इस पे जाके मैं ये ड्रॉ करता हूं, ये पता लगा मैंने क्या किया, ये नजर आ रहा है कोई, ये बाल्टी नजर आ रही है आपको, ये बेसिकली क्या है, इसे कहते हैं आप बेसिकली, आप इसे कहते हैं फिलर। आप किसी भी जगह पर ये कलर पिक करें और ये कलर जो आप इस बाल्टी से उसे जाके थ्रो करेंगे तो ये कोई मजेदार काम करता है। मैं बताता हूं क्या काम करता है, ठीक है। बट लेट मी ड्रॉ ए शेप अगेन। बाय द वे, मैं इसकी फिर वही कलर पिकिंग कर लेता हूं, ये ब्लैक है और ये व्हाइट ही रहने देता हूं। ये सर्कल मैंने लिया और इसको मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ये मेरी एक शेप बन गई है सर्कल, है ना। और मैं, बाय द वे, ये आपको साइड नजर आ रहा है? अब मेरा आपसे सवाल है, अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये साइज भी सिलेक्शन मैंने करनी है, ओके,
और इसके डिफरेंट लेयर है, मतलब 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, आप ज्यादा भी बना सकते हैं, ज्यादा भी बना सकते हैं, ठीक है। मुझे कुछ सवाल का जवाब दे। अगर मैंने सर्कल ड्रॉ करना है फॉर एग्जाम्पल, और मैं कहता हूं मैंने दो विड्थ का, एक है सिंगल विड्थ, एक है टू विड्थ, एक है थ्री विड्थ, एक है फोर, लेट्स से फोर ही करते हैं, ठीक है। लेट्स से मैंने कहना है मैंने पेन टूल अपना जो देना है, और मैं कहता हूं उसकी जो वेरी डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हो सकती है विड्थ की, वो मैंने ऊपर से डिफाइन कर दी, ठीक है। अब मेरा आप लोगों से सवाल है कि लेट्स से कि मैं पहले नंबर वन की मैं ड्रॉइंग करना चाहता हूं, तो एक्चुअली क्या होगा, इसकी सर्कल की बाउंड्री है वो एक विड्थ की बननी चाहिए। अगर मैं सेकंड की सिलेक्ट करूंगा तो मेरी विड्थ डबल हो जानी चाहिए, और अगर मैं तीन ही करूंगा तो यहां पर तीन की और चार की होनी चाहिए। ये बात समझ में आती है, ठीक है। कैसे करेंगे आपको मैं हिंट दे देता हूं, और हिंट ये है कि याद है हमने ड्राइंग की थी एनिमेशन वाली, सर्कल हमारे जब एनिमेशन हमने किए थे सीएफपी में, तो यू सर्कल ड्रॉ होता था, छोटा होता था वगैरह वगैरह, उसमें सर्कल को ड्रॉ करने के अंदर डिफरेंट मेथड पड़ते थे। सर्कल को ड्रॉ करने के डिफरेंट मेथड क्या थे, एक सेंटर डिफाइन करते थे, एक रेडियस डिफाइन करते थे, फिर हम कहते कि स्क्रीन के हर कोऑर्डिनेट पे जाओ, और हम बेसिकली उसकी इक्वेशन में पुट करते थे, और क्या होता, और अगर हम कहते वो बराबर जीरो के आ जाए तो क्या हुआ, तो हम उस जगह पर स्टार ड्रॉ कर देते, ऐसे करते। यहां पर भी यही करेंगे, बट द ओनली डिफरेंस इज कि वहां पर स्टार ड्रॉ नहीं करेंगे, उसका फिल कलर कर देंगे। कौन सा फिल कलर, जो आपने अपनी आउटलाइन का कलर डिसाइड किया होगा, ओके। व्हाट्स द कैच, द प्रॉब्लम इज कि उस तरह करने से एक मसला आता है। क्या मसला आता है, कि दरमियान में गैप्स आ जाते हैं, क्यों, क्योंकि इक्वल टू जीरो कभी भी नहीं आता, क्योंकि सिवाय शायद डायमेट्रिक पोजिशन के आपके पास तमाम जो बाकी कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो रियल वैल्यूज आती है, और रियल वैल्यूज तो ये है ही नहीं, क्योंकि पिक्सल के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो तो रियल होते ही हैं। तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम एरर फंक्शन डिफाइन करते हैं कि अगर वो इक्वल टू जीरो ना आए, बल्कि अगर अप्रोक्सीमेटली जीरो के बराबर आ जाए तो हम कह देंगे यार जान, यानी डिफरेंस अगर वन आ जाए, टू आ जाए, थ्री आ जाए, तो एक्चुअली हम एक एरर वैल्यू डिफाइन कर देते हैं कि अगर वो इस एरर के दरमियान में है तो हम क्या कर देंगे, जान दो। ये भी हमारा सर्कल है। ये बात समझ में आती है मैंने क्या बात किया, ठीक है। उसका हमने एक और फिक्स भी किया था, और वही कहता कि हम पोलर कोऑर्डिनेट में चले गए थे, और पोलर कोऑर्डिनेट में जाकर तो हम एग्जैक्ट उस जगह पर चले गए थे कि थीटा की वैल्यू जीरो है तो यहां पे करना है, थीटा की वैल्यू वन है तो यहां पे करना है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। वो हमें हमने ड्रॉइंग की। आई होप यू रिमेंबर दैट, ठीक है जी। तो यहां पर करेंगे, एक तरीका ये है कि हम एरर बढ़ा देंगे, उसको मल्टीप्लाई बाय टू कर दें। विथ टू करनी है तो वो भी जो भी एरर की हमने अमाउंट रखी हुई है उसको मल्टीप्लाई बाय टू कर देंगे, तो उस हिसाब से ज्यादा रेंज जो है वो हाईलाइट हो जाएगी। ये बात समझ में क्या बात की, ठीक है। तो एक तरीका ये है, पोलर कोऑर्डिनेट के लिए क्या करें मुझे नहीं पता, रेडियस बढ़ा देंगे या रेडियस की वैल्यू को एक रेंज डिफाइन कर देंगे। ये समझ में क्या बात की, यानी जो आर है ना, जो आर है वो आर आप एक बार फिक्स करते हैं, लेकिन आर के प्लस इधर और माइनस इधर आप डिफाइन करते हैं, यार ये इस पूरे रेंज के लिए पोलर कोऑर्डिनेट डिफाइन करते हैं। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन ड्रॉ वेरियस विड्थ का सर्कल, ओके। ये बात समझ गए, ठीक है। पिछली क्लास में एक और बच्चे ने एक आंसर दिया था, मैं एक और तरीका नहीं कर सकता कि मैं सर्कल में जाकर देखूं कि कहां कहां पर बेसिकली मैंने सर्कल ड्रॉ किया है। तो जहां जहां मेरे कोऑर्डिनेट आए उसके ऊपर नीचे चारों तरफ जो है मैं बढ़ा दूं। मैंने कहा वो कर सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं तो कर लें, लेकिन मुझे आई डोंट लाइक इट, दिस इज ए मच बेटर इंप्लीमेंटेशन एंड इजियर टू परहैप्स टू इंप्लीमेंट, ओके जी। मुझे बताएं ये सर्कल ये कैसे ड्रॉ करेंगे शेप, ये देख रहे हैं आप, ये करेंगे तो इसका एक आई डोंट नो, ये तो मुझे इतना अच्छा नहीं लगता है, ये ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। मैं अगर ट्रायंगल ड्रॉ करूं तो मैं पहले कहूं कि मुझे बताओ टिप कहां पर है, और फिर मैं सेकंड कोऑर्डिनेट के लिए क्या कहूंगा, मुझे बताएं जहां पर भी आप लेके जाना जाएं, ठीक है। क्या करूंगा फिर मैं, जितना मैं दूसरे को डिफाइन करूंगा, दूसरा जो है वो इसकी ही के अपोजिट इस तरफ इतना आगे होगा। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड। तो आप ट्राइंगल इस तक ही बना सकते हैं, आप ट्राइंगल ये वाली भी आराम से बना सकते हैं, और सिमिलरली आप ये भी बना सकते हैं, ठीक है। ये शेप भी बनानी हो तो बड़ी आराम से बन जाएगी, यहां से ये ऐसे आ जाएगा,
ठीक है, इसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें ऊपर सेंटर बनाना पड़ेगा और सेकंड के लिए हमें आपको बस ये एक्स कोऑर्डिनेट देना है, ये बस सुनो ठीक है। और जितना आप नीचे लेके जा रहे हैं उसके हिसाब से हाफ पे वो चला जाएगा, ठीक है, जैसे मर्जी ड्रॉ करें, आई डोंट केयर, ठीक है, शेप ड्रॉ होनी चाहिए, दैट्स व्हाट आई वांट, ओके। और सिमिलरली इसकी भी डेप्थ वगैरह विड्थ वगैरह कैसे होगी सेट, थिंक अबाउट इट, ओके। सर्कल के लिए हमने कर दिया, बाकी के लिए आप करना चाहें आराम से कर लेना चाहिए आपको, ठीक है। ऑल दीज थिंग्स इन्वॉल्व सम काइंड ऑफ सोफिस्टिकेटेड मैथमेटिक्स जो कि आपको थोड़ा सा खुद फॉर्मुलेट करनी पड़ेगी, ओके। सो फार सो गुड। ये आपकी फॉर एग्जाम्पल एक शेप है, ठीक है। अच्छा मैं आपको एक बहुत ही चीज दिखाता हूं, व्हाट इज एन इरेजर। अच्छा मैं वैसे आपको मशवरा ये दूंगा, अच्छा पेड़ जैसे करता है वो रिक्वायरमेंट है, ओके। लेकिन अगर आप जैसा जो जबरा कर रहा है हर चीज को पहले अलग अलग रखता है, हाँ अगर आप इसको पेंट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, जेपेग में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो एंड में जेपेग में कन्वर्ट कर दें, ओके। अगर आप यानी ड्यूरिंग दिस ड्रॉइंग अगर आप क्या चाहते हैं कि वो मैं क्या करूं, मैं अपने अपने जो ऑब्जेक्ट्स मैंने बनाए हैं शेप्स के उनको दोबारा भी चेंज करने की इजाजत देना चाहता हूं, वंस आई हैव ड्रॉन इट मैं उसे दोबारा भी चेंज करने की इजाजत देना चाहता हूं, अगर आप ये करना चाहते हैं यू विल गेट द बोनस पॉइंट, ओके राइट। कुछ चीजें मैं आपको बता दूं, जैसे इरेजर है, अब इरेजर दो तरह का काम करेगा, अगर आपने पेंट के लिए किया तो वो तो बड़ा आसान है, क्या करेगा पेंट करेगा, तो आपने इरेजर का जो भी अपना कलर रखा हुआ है ठीक है, वो जहां जहां आप फेरते जाएंगे वो पिक्सल की वैल्यू को उससे रिप्लेस करता जाएगा। ये समझ में आई मैंने क्या बात की है, यानी आपने जो भी इरेजर का कलर रखा हुआ है वो उसके हिसाब से जहां जहां फिरेगा वो वैल्यू असाइन कर देगा, ये बात समझ आती है ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल ये देखें ये इसने व्हाइट कर दिया, बाय द वे अगर मैं इसे कलर चेंज कर दूं इसको ग्रे कर दूं तो ये अब जहां जहां फिरेगा वो वहां पे व्हाइट कर देगा, तो एक्चुअली ये है तो इरेजर लेकिन ये इरेज नहीं, ये पेंटर बन गया है क्योंकि मैंने इसका कलर चेंज कर दिया, ये बात समझ आएगी। कंट्रोल जी ठीक है, कंट्रोल जी भी आपने ऐड करना ठीक है, ये बात समझ आएगी। और कंट्रोल जी में क्या होगा, थिंक अबाउट दैट ठीक है, बट आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, ओके। कंट्रोल जी में बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, एक तरीका जैसे मेरे ध्यान में आता है वो ये कि आफ्टर हर 15 सेकंड के बाद वो अपना एक जो भी इस वक्त की जेपेग आपकी बनी हुई है उसको एक वेक्टर में सेव कर देता है, ये बात समझ आएगी। या आपने जो भी टूल सेलेक्ट किया है उस टूल की जितनी भी एक्टिविटी आपने की है उससे पहले का जेपेग उसने सेव किया हुआ है और उसके बाद का जेपेग वो सेव कर लेता है, ये बात समझ आएगी। आप अंडू करते हैं तो वो पूरा ऑपरेशन अंडू, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूं मैं क्या कह रहा हूं, ये देखिए मैंने पेन टूल सेलेक्ट किया, इरेजर टूल सेलेक्ट किया, ये देखें ये तो यही करता है, ये देखें मैं ये इरेज कर रहा हूं अभी मैंने छोड़ा नहीं है, छोड़ा और मैंने एक दफा कंट्रोल जी किया सारा उठा दिया, समझ में आ रही मैंने क्या बात की है, कि उस एक टूल के यूजेज से पहले की जेब तक उसे सेव की हुई है और जब वो यूजेज खत्म हो जाती है ठीक है तो वो अगला इंस्टेंस कहलाता है, ओके शाबाश। उसके बाद ये पेन टूल है और रेजर टूल में कोई फर्क नहीं है, क्यों फर्क नहीं है बताएं मुझे, तो ये भी बेसिकली ड्राइंग ही कर रहा है, द ओनली डिफरेंस इज कि जो इरेजर है उसका बाय डिफॉल्ट एक कलर होता है और इसका अपना कोई कलर होगा, आप कलर चूज करें जो भी ड्राइंग करेंगे वो ड्राइंग हो जाएगी, तो एक्चुअली इन दोनों का फर्क नहीं है, ओके। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स। सो वी आर डन विद शेप, वी आर डन विद इरेजर, वी आर डन विद ओके, देन देयर इज दिस नाइस शेप कॉल्ड सेलेक्ट। सेलेक्ट क्या करता है, मैंने फॉर एग्जांपल ये पोर्शन सेलेक्ट किया, ओके दो तरह के सेलेक्ट है, मैं आपको पहले बताता हूं, अगर मैंने जेपेग के अंदर सेलेक्ट किया है तो वो वाला रेक्टेंगल अब वो सेलेक्ट हो जाता है। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको अगर मैं माउस को इसके अंदर लेके आऊंगा, ये देखें अगर मैं माउस को कहीं और जाकर क्लिक करूंगा ये सिलेक्शन रीजन खत्म हो जाएगा,
लेकिन अगर मैं इसके अंदर क्लिक करता हूं तो अब ये रीजन आपका आप उठा कर कहीं ले जा सकते हैं। ये बात समझ आ रही है? और जब आपने उठाया है तो जो इसके पीछे कलर होगा वो कौन सा कलर होगा? जो इरेजर का कलर था। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड। इसको उठा के अगर आप स्क्रीन से बाहर फेंकेंगे तो क्या होगा? ये डिलीट हो जाएगा। ये बात समझ आ रही है? लेकिन अगर आप कहीं और प्लेस करेंगे तो क्या होगा? वो वाला पोर्शन जो है वो इस पोर्शन से रिप्लेस हो जाएगा। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स। सो दिस सिलेक्शन टूल इज एन इंपॉर्टेंट टूल। अच्छा, मैं एक और मजे की बात बताता हूं। अगर मैं इस टूल को यह भी इनेबल करना चाहता हूं, अब क्या होगा? अब अगर मैं फॉर एग्जांपल एक सिलेक्शन डिफाइन करता हूं, कैसे? यहां गया, ये देखे जी, ये मैंने, ये मूव है ना, इसको मैं सेलेक्ट कैसे करता हूं? इसमें सिलेक्शन टूल होता है, मूव फ्रीज पेन, एक मिनट यार, ये तो वो कर रहा है, सिलेक्शन कैसे होती है? हाँ, अच्छा, अगर आपने लोगों ने कुछ लोगों ने तो ये सिलेक्शन है ना, फॉर एग्जांपल हम एक काम कर सकते हैं कि सिलेक्शन में अगर बोनस पार्ट जो मैं कह रहा हूं, अगर किसी ने अलग अलग यानी एडिटेबल ऑब्जेक्ट्स यहां पर रखने हैं तो एडिटेबल ऑब्जेक्ट्स के लिए मैं यहां पर एक सिलेक्शन टूल एक और कर देता हूं। तो दो सिलेक्शन है, एक है जेपेग सिलेक्शन, दूसरा कौन सा है कि वो जो सिलेक्ट करता है, वो जो सिलेक्शन रीजन डिफाइन करता है, तो बेसिकली हम कहते हैं इस रीजन के अंदर कितने ऑब्जेक्ट्स जो यहां मेरे पड़े हुए हैं उनके सेंटर्स आते हैं। ये बात समझ आएगी? जिन जिनके सेंटर्स के अंदर आएंगे हम क्या करेंगे, उनको हम सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो लेट्स से तीन शेप्स आई हुई है जिन जिनके एक सेंटर लेट्स से कोई भी था, एक्स वन वाई वन था, दूसरे का एक्स टू वाई टू था, तीसरे का एक्स थ्री वाई थ्री था। ओके, अब अगर मैं माउस में चेंज करता हूं, माउस की मूवमेंट में चेंज करता हूं, ओके, अच्छा लेट्स से कि मैंने मूवमेंट में चेंज की, प्रीवियस पोजीशन उसकी कुछ थी और जो अब मैंने पोजीशन की है उनके दरमियान में डिफरेंस लेता हूं, और वाई में डिफरेंस आया माइनस टू और एक्स में डिफरेंस आया प्लस फोर, इसका मतलब क्या है? मुझे उस रीजन के अंदर जितनी भी शेप्स पड़ी हुई है उन्हें क्या करना पड़ेगा, उनके सेंटर को क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, बेसिकली उस पूरी शेप्स को मुझे यहां पर एक्स में क्या करना है, एक्चुअली की ट्रांसलेशन करनी है। तो उनके एक्स में मैंने सिक्स का चेंज करना है और वाई में मुझे कितना चेंज करना है, बता दें यार, वाई में मैंने माइनस टू का है तो माइनस टू चेंज, तो उस पूरी की पूरी शेप जो उस रीजन में शेप्स होंगी वो उसी तरह से ट्रांसलेट होंगी। ये बात समझ आई? ठीक है, जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो ये है कि पेंट की तरह काम हो। ओके, बोनस पार्ट ये है कि अगर आपने उस रीजन के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए उन ऑब्जेक्ट्स को ही मूव करना है। ओके, ये बात समझ आई? उसके बाद क्या है, दिस इज अ वेरी नाइस टूल कॉल्ड पेंट, और इसको इसके थ्रू आप चाहें तो फ्लड फिलिंग कर सकते हैं। व्हाट इज द फ्लड फिलिंग? फ्लड फिलिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन जो कि ना आमतौर पे इंटरव्यू के सवालों में आता है। ओके, इंटरव्यू के सवालों में भी आता है और ये कोडिंग कंपटीशन में भी काफी दफा आता है। ओके, मैं आपको बताता हूं इसका आइडिया क्या है। आइडिया ये कि फॉर एग्जांपल मैंने ये एक कलर पिक किया, लेट्स से रेड, और मैंने कहा ये मैं फिल कलर लेके आ रहा हूं और यहां आके ये फेंक देता हूं। ओहो, ये ब्लैक हुआ है, सॉरी, ये मुझे सिलेक्ट करना है। ये मैंने रेड सिलेक्ट किया और मैंने फॉर एग्जाम्पल यहां भेजा तो ये देखिए रेड हो गया। ये बात समझ आई? जब मैंने यहां भेजूंगा तो क्या होगा, सारा तो रेड नहीं होगा, सारा, हाँ सारा रेड होगा, नहीं सारा रेड नहीं होगा, चले मैं इसको ना ब्लू कर लेता हूं, क्या होगा ये? अगर मैं यहां पे थ्रो करूं तो क्या होगा? जिसका मतलब आई ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये करता कैसे है? ये करता ऐसे कि जिस जगह पे आप थ्रो करते हैं वो उस जगह का कलर पिक कर लेता है। ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या करेगा, मैं यहां पे थ्रो कर रहा हूं, जब मैं यहां पे थ्रो करता हूं तो ट्राई टू अंडरस्टैंड आप क्या, और ये बड़ी बड़ा मजेदार फंक्शन है। ओके, इस जगह का एक पिक्सल है उसका कोऑर्डिनेट आपके पास आ जाएगा। ठीक है, लेट मी शो यू। तो लेट्स से
आपने यहां पे फेंका, ठीक है। ओहो ये तो पूरी तस्वीर खराब होती जाएगी, बट खैर चले मैं कुछ कर लेता हूं। अगर आप यहां पे थ्रो करेंगे तो एक्चुअली होगा ये कि इसकी आठ सराउंडिंग में ये और ये फिर ये, अगर आप यहां पे थ्रो करेंगे तो इसकी आठ सराउंडिंग पे बारी बारी आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे लुक एट दिस, आपने ऐसा कलर पिक किया वो है व्हाइट, ठीक है। तो आप कहेंगे अच्छा मेरा कलर तो वो रिप्लेस कर दो जो कि मैंने यहां पे सिलेक्ट किया है, कौन सा है ये ब्लू, ये वाला कलर उठा लो और क्या करो और कहो अच्छा भाई यहां पर आप वैसे करो वो वाला कलर रख दो, कौन सा कलर ब्लू कलर, ओके। और आप एक काम करो इसकी ये जो टॉप लेफ्ट कॉर्नर है उस पर जाओ, ठीक है, और आप कहो अच्छा वहां पर भी ये काम करो जाके, ठीक है। अब यहां पर आएगा वो, जब यहां पर आएगा तो मैंने इसके साथ यही काम करना है, क्या मतलब इसका कलर अगर व्हाइट है तो क्या कर दो ब्लू कर दो, ओके, और इसकी आठ सराउंडिंग खोल दो। हाँ अगर वो ऐसा कलर मिले जो कि क्या है सेम व्हाइट नहीं है तो उसका मतलब क्या बाउंड्री आ गई, इससे आगे नहीं जाना, समझ में आई बात मैंने क्या बात की है, ठीक है। आई होप एवरीबडी अंडरस्टूड, लेट्स से मैंने कहा ना, लेट्स से मैंने ये देखो यहां पर इस स्टाइल को मैंने मैंने कलर करना, तो असूल क्या है टाइलिंग का कि मैंने इसको कलर करना तो भाई यहां पे कलर करूंगा यहां कलर करूंगा यहां कलर करूंगा, लेकिन जब ये बाउंड्री आ जाएगी तो मैं यहां पर रुक जाऊंगा, दैट्स हाउ आई वर्क, है ना, ये बात समझ आई मैंने क्या बात की, बिल्कुल इसी तरह ही काम करता है। इसे कहते हैं फ्लड फिल, बेसिकली वो जहां तक सेम कलर आ रहा होता है उसको वो चेंज करता जाता है, लेकिन अगर कोई ऐसी जगह ट्रांजिशन आ जाए जहां पर कलर चेंज हो रहा है वहां पर वो रुक जाता है। तो क्योंकि ये यहां से ये इसे फिल करेगा, पीछे आएगा यहां से भी फिल करता हुआ बाहर निकलेगा, इस पूरी बाउंड्री को फिल कर देगा, यहां पे भी आएगा इसको भी फिल कर देगा, इंसानों को ये ब्लू कर देगा, ये बस नहीं। लेकिन अगर मैं ये काम कर दूं, ये देखें अगर मैं एक काम करूं ये यहां पर आके, यहां पर आके ना बस ये ब्लू नहीं यहां पर आके ब्लैक करके इसकी बाउंड्री है बंद कर देता हूं ताकि ये इससे बाहर ना निकले मेरा कलर, अब क्या होगा कोई बता सकता है, अब क्या होगा, अब मैं कलर यहां पे थ्रो करूंगा तो क्या होगा, ये देखिए ये मैं यहां गया ये मैंने कलर पिक किया ग्रीन और यहां थ्रो किया, क्या हुआ है आयशा ये इसके अंदर क्यों नहीं किया, क्योंकि इसकी बाउंड्री कलर व्हाइट नहीं है, ये बात समझ में आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स। जिस जगह आपने कलर को थ्रो किया उसकी बाउंड्री खोलेगा, उसकी आठ बाउंड्रीज खोलता है, फिर वो उसकी आठ बाउंड्रीज खोलता है और इस तरह से ये एक्सपैंड होता है, ओके। कैन यू सी रिकर्जन हेयर, कैन यू सी रिकर्जन हेयर, एक्चुअली आठ रिकर्सिव कॉल करनी है आपने, आप टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर रिकर्सिव कॉल करेंगे, यहां पर करेंगे 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 यहां पर करेंगे, जो भी आपका एक्स वाई कोऑर्डिनेट है उसके, अगर ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट है तो ये एक्स माइनस वन वाई माइनस वन होगा, ये क्या होगा एक्स वाई माइनस वन, ये क्या होगा एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन, मैं एक्स वाई में हमेशा कंफ्यूज, एक्चुअली आर वाई आर और सी करते हैं जी, तो अगर ये आर और आर सी है तो ये क्या होगा आर माइनस वन सी माइनस वन, ये आर माइनस वन सी आर माइनस वन आर माइनस वन ही रहेगा और ये क्या हो जाएगा, और इसी तरह ये आर होगा सी माइनस वन, ये होगा आर और इन सारों पे आप रिकर्सिव कॉल करेंगे जी, नहीं इस आवाज में आया था क्या बात की है, वो कह रहा है अगर मैं इसकी जगह चार पे भेज दूं, चार का मतलब क्या यहां 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 या डायमेट्रिकली, हाँ वो कह रहा है यहां कर दो यहां कर दो यहां कर दो यहां कर दो, है ना चार कर दो तो वो कह रहा ऑटोमेटिकली हो जाएगा, है ना करके देखना, ठीक है मेरे ख्याल में हो जाएगा, ठीक है ठीक है, बट हो सकता ना हो बट देख लीजिएगा, ठीक है ठीक है, आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड इट, ओके।
इट्स अ वेरी फेमस प्रॉब्लम, ये जो फ्लड फिल का प्रॉब्लम है ना, इट्स अ वेरी वेरी फेमस प्रॉब्लम। ओके, तो ये सारी चीजें हो गई। बाय द वे ये क्या है, इसे कलर पिकर कहते हैं। ये जिस जगह पे तुम जाओगे, फॉर एग्जाम्पल ये है ना, ये देखो ये रेड क्लिक हो गया, जिस जगह पे जाओगे जाके तुम क्लिक करोगे उस पिक्सल का कलर पिक कर लेगा। ये बात समझ, ठीक है? सो फार सो गुड, गुड जी। तो ये शेप, ये पेंट ब्रश जो आप लोगों ने बनाना है, ओके, आपके पास टाइम कितना होना चाहिए, टाइम मुझे आपने बाद में पिछली क्लास में बात कर, जैसे उन्होंने ये कहा है कि आप लैब एग्जाम ना लें, लैब एग्जाम की जगह ये वाला एग्जाम करते हैं, इसको आप एग्जाम कर लेते पेंट को, और इसकी जो सबमिशन होगी वो हम फाइनल एग्जाम जो आपका आखिरी है 15 तारीख को है, 13 को है, 13 को है, तो 13 तारीख के 7 दिन बाद, इसे क्या हुआ, इसको बाहर चले जाए, कोई बात नहीं। आई ओके, क्या नाम है इसका, हाँ हाँ ईमान, ईमान क्या हुआ, सर में दर्द हो रहा है, तो आप मुझे बाहर चले जाओ या बस सुनते रहना है, बैठना जरूरी नहीं है अगर आपको मसला हो रहा, तो आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस, ओके, सही है, यू विल रियली एंजॉय दिस दिस प्रोजेक्ट, और आई वुड सजेस्ट, अच्छा अच्छा आप बताएं कि सब लोगों को गिट वगैरह यूज करना आ गया, या अभी भी कुछ है जहाज जो को जिनको नहीं आया, ठीक है कोई, या प्लीज लिसन 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 क्या, अलग अलग काम कर, अच्छा तो तुम कह रहे हो कि बेसिकली मर्ज करने का मसला है, यानी उसने उसी फाइल पे काम कर दिया, तुमने भी कर दिया, वो क्या करेगा, मर्ज, यार ये मर्जिंग सिखा दो, हाँ हाँ जी, तो आपको करनी पड़ती है, हाँ फिर कॉन्फ्लिक्ट रिवॉल्व करने पड़ते हैं, तो एक सर एक जगह ये होता है कि आप उसकी पहले डाउनलोड करते हैं, अपनी फाइल अलग रखते हैं, वो फिर उसमें कॉपी करो पेस्ट करना पड़ता है, या फिर एक उन्होंने इसके टूल बनाए हुए हैं बेसिकली जो कि दोनों को मर्ज कर देते हैं, हाँ हाँ तो यार फिर छोटा ट्यूटोरियल बना के बता दूंगा, ठीक है, अच्छा ये बेसिकली एक प्रोजेक्ट है जो कि आप लोगों का लास्ट प्रोजेक्ट है, इसकी काफी ज्यादा वेटेज है, तो पहले बता दो, ओके, अच्छा आप बताएं आप किस पे करना चाहते हैं, अच्छा मेरा ये ख्याल था कि पाइथन में करें, पाइथन में करना आपको बहुत आसान भी लगेगा, पाइथन में भी आपका हाथ साफ हो जाएगा, पाइथन में करेंगे आपको बोनस मिलेगा, ओके, अगर आप सी प्लस में करना चाहते हैं सी प्लस में कर लें, ठीक है, आई वुड सजेस्ट कि आप पाइथन में करें, चीजें भी नहीं आ जाएंगी और आपका डर जो है वो भी निकल जाएगा, पाइथन भी आपको आ जाएगी, ओके, या कुछ याद कर गई, एक बात लिसन प्लीज, लिसन प्लीज, एक चीज और है बड़ी इंपॉर्टेंट, लिसन प्लीज, या बात सुने प्लीज, साइलेंस प्लीज, सर ये एक चीज ये आ रही है, वो कहते हैं मैग्नीफायर, तो ये क्या चीज है कि अगर मैं इस पर क्लिक कर दूं तो वो ये करता, और आप एक और भी बड़ी जबरदस्त चीज देखें, ये क्या हुआ है, ये नजर आ रहा है, ये क्या हुआ है, इससे क्या कहते हैं कुछ जरूरत पता है आपको, या ये देखें मैं आप थोड़ा सा और इसको और भी ज्यादा मैक्सिमाइज करता हूं, और ये देखें ये नजर आ रहा है आपको क्या हो रहा है, कैन यू सी ए प्रॉब्लम है आशा, कैन यू सी ए प्रॉब्लम है, क्या कह रहा है, ये क्या हुआ है, पिक्सल्स बड़े हुए हैं, यस यू राइट, पिक्सल्स ही बेसिकली स्केल अप हो गए, ओके, नाउ लेट मी टेल यू ए प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम इज द फॉलोइंग, अगर आप जेपेग में कन्वर्ट कर दें तो होता यह है कि आपका हर पिक्सल को एक वैल्यू असाइन हो जाती है, ओके,
अगर आप जूम कर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि मैं इसको 200% कर दू, 200% का मतलब इसीलिए यह है कि मेरे जो आप पिक्सल्स थे वो एक जगह ऑक्यूपाई नहीं करेंगे, डबल जगह ऑक्यूपाई करेंगे। यानी जो 00 पे पड़ा हुआ था वो पहले 00 पे पड़ा था, वो 00 पे भी पड़ा होगा, 01 पे भी पड़ा होगा, और 10 पे भी पड़ा होगा, और 11 पे पड़ा होगा। ये बात समझ? तो एक्चुअली आपकी वो पूरी पूरी शेप जो है वो रेक्टेंगल वाइज बड़ी होती जाएगी। ये बात समझ? तो ओवरऑल आपके साइज जो है वो कितने हो जाएंगे, वो 2 times हो जाएंगे, 4 times हो जाएंगे, एंड सो ऑन सो फोर्थ। ये सब कुछ समझ आ गया। उसमें होता क्या है कि आप जब यूज को ग्रो ये जूम आउट करते हैं तो आपको लगता है ऐसे कि आपकी जो तस्वीर है उसमें बड़े यहाँ पे एजेस है, ओके, जिसे कहते हैं पिक्सलेटेड काम वो तस्वीर हो गई है, ओके, तस्वीर जो है वो फटना शुरू हो गई है, ओके। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड। लेकिन अगर बैकग्राउंड में आपने स्टोर करके रखा हुआ है, कैसे बोला, एज ऑब्जेक्ट रखा हुआ, ऑब्जेक्ट रखने का मतलब क्या है कि एक्चुअली आपने सेंटर सेव किया हुआ था और अब आप जूम करते हैं, लेकिन जूम करने का मतलब बेसिकली ये है कि अब आप क्या कर रहे हैं, आप करेंगे रीड्रॉइंग, लेकिन अब आपका जो स्केल फैक्टर है वो डबल हो गया। यानी पहले अगर डिस्टेंस जो था वो 2 था तो आप डिस्टेंस जो है वो 4 होगा। एक्चुअली ये बताएं कि जब हम ये करते हैं जूम आउट करते हैं, ये जो जूम का फैक्टर होता है, बाहर हमने आप तस्वीर बनाई थी उस तस्वीर में बेसिकली क्या होता है, साइज होगा, है ना, सेंटर होगा और आउटसाइड का रेडियस वगैरह होगा। अब और बाहर में आपको हर एक के अंदर उसकी 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 ब्रश की साइज रखनी पड़ेगी। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड। अगर आप हर एक को ऑब्जेक्ट, हर एक शेप को अलग अलग ट्रीट करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, आपको हर शेप का सेंटर सेव करना पड़ेगा और उसकी बाउंड्री वगैरह जो भी जो इस तरह की भी शेप है उसके लिहाज से आपको उसे पॉइंट सेव करने पड़ेगा और उसका एक स्केल फैक्टर सेव करना पड़ेगा, ओके। अब अगर आप ये जूम आउट करते हैं तो जूम आउट करने का मतलब इसके लिए है कि आपकी जो स्क्रीन, एक है विजिबल स्क्रीन और एक है ओवरऑल आपकी बैकग्राउंड में जो स्क्रीन होगी वो कैसी नजर आ रही है, ओके। आप एक पोर्शन में देख रहे होंगे और उस पोर्शन को आप लेफ्ट राइट कर सकते हैं, ओके। लेकिन जिस पोर्शन में आप देख रहे हैं ओवरऑल जो चीज है वो क्या हो जाएगी, वो स्केल अप हो जाएगी। स्केल अप होने का मतलब ये है कि वहां पर जो स्केल फैक्टर है वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा जो आपका यहां पे जूम फैक्टर है, और आपकी जो ड्रॉइंग होगी वो दोबारा से इसी के ऊपर। उसका होता क्या है, उससे होता यह है कि बेसिकली ये जो आपके ऑब्जेक्ट है ये रीड्रॉ होते हैं। जब रीड्रॉ होते हैं तो ये पिक्सलेशन का इफेक्ट नहीं आता, ओके okay? तो अगर और बाय द वे इस तरह की जो अगर आप फोटोशॉप वगैरह में काम कर रहे हैं और आप वो चीजें वगैरह उस ऑब्जेक्ट की वहां बनाई हुई, आपने सर्कल बनाया वगैरह, आप जितना मर्जी जूम करें वो कोई पिक्सलेशन नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि वो दोबारा 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 रीड्रॉइंग करता है, सिर्फ उसको ओवरऑल जो स्केलिंग फैक्टर है वो बढ़ा देता है, ओके okay? ये बात सब समझ आई, मैं क्या बात की, उसका फायदा क्या, बाय द वे इसे कहते हैं, इसीलिए बैकग्राउंड उन्हें इन फाइलों का कहते हैं वेक्टर ग्राफिक्स फाइल कहते हैं। बैकग्राउंड पे क्यों रखा है, वेक्टर ऑफ ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स रखा होता है, ठीक है। और वो जब हम जूम करते हैं उस पोर्शन को तो वो उस पोर्शन की जो चीजें हैं उनको रीड्रॉ करता है और वो उसके लिहाज से करता है कि मैंने कितना स्केल करके दिखाना है वगैरह 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 जी। ऑटोमेटिकली क्या होती है, ऑटोमेटिकली ही रहता है, पहले ही वेक्टर होती है। अगर आप ऑब्जेक्ट जो ड्रा करें आप तभी उसके एज बिट पर ड्रा करें तो फोटोशॉप में भी ये मसला आता है, जूम इन करने के बाद वो पिक्सेलेट और पिक्सेलेट होता है वो एंटीलीसिंग करता है, यानी वो एआई के साथ जो एजेस होते हैं उसको शार्पन करता है। फोटोशॉप में देखिए रास्टर होती है, इलस्ट्रेटर वो वेक्टर दिखाता है, इसके बाद फिर वो इलस्ट्रेटर, इलस्ट्रेटर की बात करूंगा मैं, फोटोशॉप में ये रास्टर होते हैं, ये मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, देयर आर 2 ways ऑफ डूइंग इट। एक ये है कि अगर वो चीजें बैकग्राउंड में उसने हार्ड कोड करके रख दी हैं तो वो पिक्सल फटना शुरू हो जाएंगे। दूसरे में ये है कि वो अगर इक्वेशंस को सेव करता है तो इक्वेशंस के थ्रू जब वो रीड्रॉइंग करेगा तो वो आपको शार्पनिंग इफेक्ट नजर आएगा, ओके okay? आपको इस तरह के वो एजेस वगैरह नजर नहीं आएंगे, ओके okay?
तो आपको एटलीस्ट ये तो इंप्लीमेंट करना है. ओके अगर आप दूसरा वाला काम करेंगे तो आपको उसका एडवांटेज मिलेगा, बोनस प्राइस. ओके और क्या बात थी? सॉरी स्क्रो, मुझे भी नहीं पता कैसे करेंगे. अच्छा एक चीज और है इसका नाम है कलर. ये आपका कलर पैलेट है. कलर पैलेट है बेसिकली आपका रेड ब्लू ग्रीन तीन चीजें होती हैं, उनकी आप क्वांटिटी डिफाइन कर सकते हैं कि मैंने कितनी बतानी है, उसके हिसाब से आप कलर बना सकते हैं. ओके और वो कलर आप चाहें तो यहाँ पर रजिस्टर करा सकते हैं. आपके लिए रिक्वायरमेंट ये है कि यहाँ पर एटलीस्ट 12 कलर होने चाहिए. ओके और उन 12 कलर को आपने पिक जरूर करवाना है. अगर आपने नए कलर भी आपने ऐड करवाने करवा दें उस पर आपको एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा. ठीक है ह्यू क्या हाँ कर सकते यार ये ड्राइंग के लिए कोई टूल है? वैसे ड्राइंग के लिए मैं कुछ ड्रॉ करता हूँ. एक करना चाहता हूँ. ठीक है यार जूम चल जाएगा इस पे. या बैठो बैठो बैठो. कौन सा इसमें स्क्रॉल होगा, कीप नोट वगैरह इसमें होती है चीजें. इसमें ड्राइंग होती है, कीप नोट में होती थी. पावर पॉइंट नहीं है इसमें? हाँ पावर पॉइंट है. सारे फिश भैया काइंडली छोड़ दो. ऑलराइट अच्छा आपका ना एक सेशन होना है आज रात को. सो मैंने कोड दिखाना है. बट बिफोर आई गो देयर लेट मी टॉक अबाउट ग्रेडियंट डिसेंट. ओके
And then there is a very nice method called Newton method. Newton method. I was going to talk about gradient descent. अच्छा, imagine कि आपके पास ना ये इस तरह का कोई कर्व है, ओके? और बाय द वे ये आपका ये आपका x कोऑर्डिनेट है और ये आपका y एक्सिस, ओके? अच्छा, आप ना यहां पे मूव करते हैं, इमेजिन करें कि आप यहां मौजूद, यानी आप यहां पे खड़े हैं, ठीक है? आप एक्सिस पे खड़े हुए हैं और आपको जो देखने की इजाजत है वो कितनी है मैं आपको बता दूं। आपके पास एक टॉर्च, आपको ना ये पूरा कर्व नजर नहीं आ रहा, इमेजिन कि ये तस्वीर पूरी की पूरी हिडन है, ओके? ये पूरी की पूरी तस्वीर हिडन है, ओके? आपको जो नजर आता है वो क्या नजर आता है कि आपके पास एक टॉर्च है, उस टॉर्च को आप ऊपर खींचे, ठीक है, ऊपर थ्रो करें तो आपको चलो यहां पे नहीं खड़े होते, यहां खड़े होते, तो एक्चुअली ये टॉर्च है और टॉर्च कहीं यहां जाके टकराएगी, ओके? और आपको सिर्फ इतना सा पोर्शन नजर आएगा, ओके? तो इतना सा पोर्शन का मतलब क्या है? जैसे पोर्शन का मतलब ये है कि एक्चुअली टॉर्च की कुछ छोटी सी विड्थ होगी, जो भी आप लाइट फेंक रहे हैं उस लाइट से आप अगर ऊपर देखें तो आपको यहां पे ये नजर आएगा, ओके? अच्छा, आप एक काम करना चाहते हैं, आप काम में करना चाहते हैं, आप यहां से जहां पर देख रहे हैं वहां से आप नीचे उतरना चाहते हैं, ओके? इसी को कहने का एक और तरीका भी है कि इमेजिन करें कि आप ऐसे कितने लोग जो कि पहाड़ी इलाकों में गए, ट्रिप वगैरह पर भी गए हो, ओके? तो इमेजिन करें कि आप लेट्स को कोई भी ना, आप अचानक उठते हैं और आप जी लेट्स से K2 के एक बेस कैंप पर खड़ा हुआ और वो भी हो जो आखिरी वाला बेस कैंप, ठीक है? लेकिन जी आप ऊपर नहीं जाना चाहते, आप नीचे जाना चाहते, आप वापस जो ग्राउंड पे बेस कैंप है उस पर जाना चाहते, ओके? अब सवाल यह है कि आपके पास और रात का वक्त है, नजर कुछ नहीं आ रहा, लेकिन आपके पास एक टॉर्च है, टॉर्च कैन हेल्प यू, ओके? अब सवाल यह है कि मैं टॉर्च से की हेल्प से नीचे उतरना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा? समझ में आया सवाल? समझ में आया? मैं क्या करूंगा? यानी आप एक जगह पर है जहां पर आप इन्फिनिटली जगह पर देख नहीं सकते, लेकिन आपके पास एक एक्सेस है और वह एक्सेस बहुत छोटा सा, और सवाल यह कि मैं किधर से उतरूं, ओके? तो आप क्या करेंगे जी, बताएं क्या करेंगे जी, बताएं आप क्या करेंगे? आप चाहते ही हैं कि मैं बेस कैंप पे उतर जाऊं, यानी बेसिकली मैं सबसे मिनिमम वाली जगह पर जाना चाहता हूं, क्या करेंगे आप? सॉरी, आए करेंगे, क्या करेंगे? नहीं, मैंने देखा वहां पे ऊपर जा रहे हैं तो मैं ऊपर चल दूंगा। हाँ, तो सुनिए मेरी बात, क्या कह रहे हैं? अगर मैं बेसिकली पूरी सराउंडिंग देखूंगा और मैं देखूंगा कौन सी सराउंडिंग ऐसी है जो मुझे कहीं नीचे लेके जा रही है ना, ये बात समझ आ गई? और कोशिश मेरी ये होगी कि मैं उस तरफ चल पड़ूं, ठीक है? और हर जगह पे जाके मैं यही डिसीजन लूंगा, ओके? ये सब बात। अच्छा, लेकिन एक मसला है, मसला ये है कि मैथमेटिक्स में अगर आप काम कर रहे हो, आपको लेट्स से कर्व दिया, ओके?
उस कर्म में अगर मैंने देखना हो कि मेरा नीचे मैंने कहां जाना है, वो तो तुम्हें कोई नहीं बताता, लेकिन ऊपर कहां जाना है वो तुम्हें एक बड़ा मजेदार फंक्शन है जो बताता है, और उस कैलकुलस में उसे कहते हैं डेरिवेटिव। डेरिवेटिव आपको क्या बताता है? डेरिवेटिव आपको बताता है स्लोप, और स्लोप होता है इंक्लिनेशन का। इंक्लिनेशन का मतलब क्या है? ऊपर जाने का एंगल बताता है कि आपने किस डायरेक्शन में आप जाएं तो आप ऊपर जाएंगे। ओके, ऑलराइट। सो स्लोप, जिसको हम ग्रेडियंट भी कहते हैं, ग्रेडियंट ऑलवेज गिव्स यू द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, किस डायरेक्शन में आप जाएंगे तो ऊपर चले जाएंगे। ओके, सो लुक एट दिस, अगर मैं यहां पे कंप्यूट करूं, ओके, ये कर्व थोड़ा सा यूं जा रहा था, तो एक्चुअली ये मुझे कर्व बताएगा कहीं इस तरह का। ओके, ऑलराइट। अब ये मुझे बेसिकली जो डेरिवेटिव की वैल्यू निकली मिली है, ये मुझे बता रही है कि मैंने किस डायरेक्शन में जाना है, तो मैं ऊपर जा सकता हूं। तब सवाल ये है कि मुझे क्या ऊपर जाना चाहिए, मैं तो नीचे की जाना है, तो मैं क्या कर सकता हूं? अच्छा, एक और बात सुने, बाय द वे एक छोटी सी बड़ी जरूरी बात, अगर आपको कोई कर्व दिया हुआ है, ओके, डेरिवेटिव के ऊपर मैं दोबारा वापस आता हूं, लेकिन छोटा मैं आपको सवाल बताता हूं बात। डेरिवेटिव बेसिकली आपको क्या बताता है, जिस भी जगह पर आप होंगे, फॉर एग्जाम्पल आप इधर हैं, तो वो आपको ये बताएगा इधर है इंक्लिनेशन, आप क्या हो, अच्छा एक मिनट, ये आपको एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बताता है, यहां होंगे तो आपको ये बताएगा, यहां होंगे तो ये आपको ये बताएगा, यहां होंगे तो वो आपको ये बताएगा, ठीक है। अच्छा, यहां होंगे तो वो आपको क्या बताएगा? जीरो बताएगा। ओके, यहां पर आने का मतलब यह है कि बेसिकली आप एक ऐसी जगह पर आ गए हैं जो कि आपकी बड़ी फिक्स पोजीशन है, इन अ सेंस कि या तो वो मैक्सिमा होगा या वो मिनिमा होगा, कि यही सेम सिचुएशन आपकी यहां पर भी आएगी। ओके, ये बात समझ गए? तो आइडियली तो बड़ा आसान ये है कि मुझे अगर कर्व पता हो तो मैं उस कर्व की इक्वेशन का डेरिवेटिव लूं, उसको इक्वल टू जीरो पुट करूं, और उसके कोरिस्पॉन्डिंग में एक्स की वैल्यू निकालू, और मैं वहां पे पहुंच जाऊंगा, यार यहां पर मैंने पहुंच जाना। ओके, ये बात समझ आ गई? ये है आइडियल सिनेरियो। ओके, लेकिन मसला सिर्फ ये है, जब आ रहे कुछ फंक्शन होते हैं जो कि ना इस तरह के होते हैं, जब आ रहे इस फंक्शन के अंदर मैंने अगर मिनिमा पे पहुंचना है तो मिनिमा ये भी है, मिनिमा ये भी है, मिनिमा ये भी है, तो मैंने तो चाहता हूं कि ऐसे मिनिमम पे पहुंचूं जो सबसे सबसे मिनिमम है। ओके, ये बहुत मुश्किल प्रॉब्लम है। ओके, अगर मुझे कर्व की इक्वेशन नहीं पता और मैंने मिनिमम सबसे छोटे मिनिमम पे पहुंचना है, दैट्स अ वेरी हार्ड प्रॉब्लम। ओके, अगर आपको कर्व की इक्वेशन पता है और फिर आपको मिनिमम निकालना शायद थोड़ी आसान, डेरिवेटिव वगैरह निकालेंगे, इक्वेशन सॉल्व करेंगे, पहुंच जाएं, लेकिन अगर आपको इक्वेशन नहीं पता, कर्व नहीं पता, तो फिर ढूंढना बड़ा मुश्किल काम है। ओके, अगर कर्व है ऐसा, ये कहते हैं कॉन्वेक्स शेप, क्या कहते हैं, तो इस केस के अंदर अगर मैं डेरिवेटिव निकालूं तो ये है मेरा डेरिवेटिव, ये मुझे बता रहा है इस तरफ जाओ, अगर मैं इस तरफ ना जाऊं बल्कि इसके अपोजिट चल पड़ूं, यानी ग्रेडियंट में असेंट होने के बजाय मैं ग्रेडियंट में डिसेंट करना शुरू कर। ओके, तो आप अभी गौर से देखें, इस वक्त आप मौजूद हैं किधर खड़े हुए, यहां पे, यार टॉर्च लेके आप ऊपर देख रहे थे ना, आपने ग्रेडियंट की वैल्यू निकाली, आप ग्रेडियंट को, सो एक्चुअली आप एक्स टी के ऊपर थे, और एक्चुअली आपने डेरिवेटिव निकाला, ये डेरिवेटिव कहते हैं हम, डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, जो भी है मैंने इस जगह पे इस स्पॉट पे निकाला, इस एक्स टी पे निकाला। ओके, और आप एक काम करें, इसको आपने अल्फा से मल्टीप्लाई कर दिया, अल्फा का मतलब है कि मैं एक्चुअली इतना स्टेप आगे ले जाता हूं, डेरिवेटिव की वैल्यू निकाली, इस डेरिवेटिव के लिए भी नेगेटिव लिया इस डायरेक्शन में, अब मैंने कहा ऐसा करो, जहां भी तुम थे जो कि एक्स टी था, उसमें तुम क्या कर दो, नेगेटिव कर दो डेल्टा ये टाइम्स अल्फा, ये आपकी क्या आ जाएगी, नेक्स्ट पोजीशन आ जाएगी, एक्स टी प्लस वन आ जाएगी।
बट देर इज अ स्मॉल प्रॉब्लम. द प्रॉब्लम इज कि लेट्स से कि मैंने ये अल्फा बहुत बड़ा रख लिया. अगर मैं अल्फा बहुत बड़ा रख लूं तो हो सकता है मैं ये इससे मल्टीप्लाई करके जब मैं आगे आऊं तो वो यहां आने के बजाय वो मुझे कहां ले जाए, वो मुझे यहां ले जाए, जिसकी वजह से असल में इसलिए मुझे नजर आएगा, एक मिनट जाना, वो मुझे यहां नजर आएगा. तो एक्चुअली मैंने यहां से, अब अगर मैं टॉर्च पे देखूंगा तो मुझे क्या नजर आएगा यहां पर, मैं एक्चुअली यहां से कहां पहुंच गया हूं, यहां पहुंच गया. कैन यू सी प्रॉब्लम? द प्रॉब्लम इज कि आपने अगर अल्फा बहुत बड़ा रख लिया तो यू कैन एक्चुअली गो इन टू वेरी बिग प्रॉब्लम. द स्टेप शुड बी वेरी वेरी स्मॉल. ओके, दिस इज ग्रेडियंट डिसेंट इक्वेशन एंड दिस अल्फा इज कॉल्ड स्टेप. वी विल गोइंग टू यूज इट टू फाइंड सम रियली नाइस फंक्शंस. थैंक यू सो मच.